हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गूगल ड्राइव पर फ़ोटो कैसे अपलोड करें या फ़ोटो कैसे सेव करें। इसी के साथ अगर आप कोई वीडियो, ऑडियो या फिर कोई फाइल सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप सेव कर सकते हैं। आगे जब भी आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप वहाँ से पा सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको गूगल ड्राइव ऐप को ओपन करना है। अगर आपके फ़ोन में नहीं रहेगा तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। इस तरीके से ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लास्ट में फाइल्स का एक ऑप्शन है, फाइल्स वाले ऐप पे क्लिक ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इससे पहले आपको देखिए क्या करना है, ऊपर थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको आ जाना है सबसे नीचे। सबसे नीचे अगर ये वाला ऑप्शन चालू रहेगा, देखिए ट्रांसफ़र फाइल्स ओनली ओवर वाईफाई, तो इसे आपको बंद कर देना है और ओके कर देना है अगर मोबाइल में अपलोड कर रहे हैं तो। फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आप फोल्डर बनाकर फ़ोटो सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से फोल्डर बना सकते हैं। चलिए हम बना लेते हैं, फोल्डर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लिख देते हैं फ़ोटो और क्रिएट कर देते हैं। फ़ोटो क्रिएट, फ़ोटो वाला फोल्डर क्रिएट हो चुका है, बन चुका है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए क्लिक करने के बाद क्या करना है, फिर से न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ओपन होगा। अब आप अपने फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, जितना भी फ़ोटो आप लेना चाहते हैं, जहाँ पर आप रखे हैं सब फोल्डर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जितना फ़ोटो आपको अपलोड करना है आप उतना कर सकते हैं, जैसे कि मैं सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक को छोड़ देता हूँ। अब इतना करने के बाद ऊपर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस। देखिए एक फ़ोटो अपलोड हो चुका है, सेव हो चुका है, आप क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने सभी फ़ोटो को कर सकते हैं, कोई फाइल रहेगा तो उसे भी आप कर सकते हैं। फाइल अपलोड करने के लिए भी आपको इसी पर क्लिक करना है और फिर अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे सभी फ़ोटो शो कर रहे हैं आप अपने फाइल मैनेजर पे क्लिक करना। यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ से जहाँ भी आप अपने फाइल को रखे हैं वहाँ पर जाकर उसे सेलेक्ट कर लेना है, डन कर देना है। जैसे फ़ोटो अपलोड की हमने वैसे ही फाइल को भी कर सकते हैं। देखिए सभी फ़ोटो अपलोड हो चुके हैं, अब हम कभी भी इसे पा सकते हैं। देखिए कैसे पाएंगे, तो आपको फिर से अगर वापस लाना रहेगा फ़ोटो को तो आप गूगल ड्राइव को ओपन करना इस तरीके से। यहाँ पर रिफ्रेश होकर आपका फोल्डर आ जाएगा। अगर ये होम पे क्लिक रहेगा इस तरीके से तो आप अपने फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। यहाँ पर जो फोल्डर बनाए रहेंगे वो मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो आपके यहाँ पर सेव रहेगा। फ़ोटो गैलरी में लाना रहेगा तो यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, आ जाएगा, या फिर अपने आप ही रिफ्रेश होगा और आपके गैलरी में फ़ोटो आ जाएगा इस तरीके से। तो गाइस उम्मीद करता हूँ सब कुछ सही तरीके समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।